अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। सूप वीक में खुश आमदीद। आपने देखा होगा हमारा प्रोमो सूप वीक का चल रहा है। पूरा हफ्ता मैं आपको सूप्स के अलावा स्टॉक्स, आज तो हम सारे स्टॉक्स करेंगे। बेसिकली सूप का बेसिक मेन बेस क्या होता है, सूप का एक स्टॉक होता है, राइट। चिकन का हम बनाएंगे आज, सब्ज़ी का, बीफ का, और उसके अलावा हम चिकन कॉर्न सूप बनाना सिखाएंगे, जो कि किसी की फरमाइश थी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप ज़रूर चिकन कॉर्न सूप बनाना एक बार फिर सिखाइएगा। सो वो भी हम करेंगे। उसके अलावा हम आज आपको सूजी से और बहुत थोड़े से मैदे से डबल रोटी कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। तो वो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। पूरा हफ्ता डिफरेंट किस्म के ब्रेड रोल्स हैं, आयरिश ब्रेड है, सोडा ब्रेड है, ब्रेड स्टिक्स हैं, तो इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, देखिएगा, बनाइएगा, सीखिएगा और सूप वीक को कामयाब करिएगा। वीव गॉट टक्स टिश्यूज एंड किचन पेपर ऑन आर शो टुडे, ठीक है। हम यूज़ करते हैं, आपको पता है, सूजी, लाडी पाव। लाडी इसलिए कि वो कड़क डबल रोटी बनाते हैं हम, तीन चार या छः जितने भी आप रोल्स बना देंगे उसको एक टिन में रखेंगे और उसको हम राइस करेंगे, फिर उसको हम डबल प्रूफ करेंगे, यानी कि एक बार फिर राइस करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम आटा जो भी होता है वो गूंद के रख देते हैं एक बोल में क्लिंग लगा के। राइस होगा जब, तो उसके बाद फिर उसका शेप देते हैं, शेप देने के बाद दोबारा उसको राइज होने के लिए रख देते हैं, उसको कहते हैं डबल प्रूफिंग, यानी कि दो दफ़ा आपको उसको प्रूफ करना होता है, राइज करना होता है। सो मैं सबसे पहले एक बोल में डाल दूंगी दो कप सूजी, ठीक है जी, ये सूजी है। फिर इसमें आप डालेंगे दो चमचे भर के ड्राई मिल्क पाउडर, कोई भी अच्छी कंपनी का ड्राई मिल्क पाउडर चला गया। अब इसमें जाएगा एक टेबल स्पून भर के नमक, जी एक टेबल स्पून, ठीक है, ये चला गया। अब इसमें जाएगा खमीर, ढाई टीस्पून है, ये ड्राई इंस्टेंट यीस्ट पाउडर होता है, ठीक है, ये खमीर है। मैं बड़े पैकेट्स लाती हूँ एम्प्रेस मार्केट से या बोरी बाज़ार से, और बोरी बाज़ार नहीं, एम्प्रेस मार्केट से, और उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये फ्रिज में या बाहर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज़र में रखिएगा, ओके। उसके अलावा इसमें क्या जाएगा, उसमें हमने नमक डाला, यस नमक भी डाल दिया, अच्छा मैदा। अब इसमें मैदा डालेंगे जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून, ठीक है, और इसमें हम चीनी डालेंगे हमेशा, ये भी एक टेबलस्पून है। हमेशा खमीर की जो भी चीज़ हो उसमें चीनी और नमक दोनों होना ज़रूरी है। अब इसमें जाएगा दूध, ये मैंने क्वार्टर कप दूध लेके गरम करके रख दिया था, नीम गरम दूध ज़रूरी है, ठीक है, और नीम गरम पानी है मेरे पास यहाँ। इसको गूंद के हम शेप करके रख देंगे। और इसमें मुझे एक और चीज़ भी डालनी थी, या आई नीड टू ऐड सम मेल्टेड बटर, सो आई हैव गॉट बटर हियर। थोड़ा सा हम डालेंगे पिघला हुआ मक्खन इसमें, और थोड़ा सा हमें ऊपर ब्रश करना है, ठीक है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं डाल रही अभी, बस थोड़ा सा। और यहाँ जो दूध है उसको हमें ऊपर ब्रश करना है, दूध और मक्खन से हम ब्रश करेंगे। दो कप सूजी है, दो चमचे भर के कोई भी ड्राई मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, एक चमचा भर के खमीर, एक चमचा भर के नमक था, ढाई टीस्पून खमीर था, आधा कप गर्म पानी, आधा कप या क्वार्टर कप जितना आप दूध डालिएगा, डिपेंड्स, हाँ मैंने अभी पानी नहीं डाला है, और एक चमचा चीनी है, ऑयल या पिघला हुआ मक्खन है दो चमचे, ठीक है, वो आपने अंदर डाल दिए, ऊपर के लिए भी रखना है आपने, मैदा आपने एक चमचा डाल दिया, और दूध और मक्खन रखा है ब्रश करने के लिए। अब इसको मैं कर देती हूँ मिक्स, ये पूरा दूध हमने डाल दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम हटा लेते हैं यहाँ से। अब हम इसमें डालेंगे ये पानी थोड़ा थोड़ा, इसको आपने गूंद के रख देना है, ठीक है जी, एक आध घंटा आप लोग रखिएगा, सर्दियों में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए तो मैं इसको शर्जील के हवाले कर देती हूँ, वो आते हैं और ये कर देते हैं। अब गूंद लेते हैं, गूंद के एक तरफ रख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास यहाँ एक डब्बा है, ठीक है, अब इस डब्बे में आपने इसको रखना है, इसलिए रखना है इस डब्बे में बिकॉज हम इसको डबल रोटी का शेप देना चाह रहे हैं। तो मैं स्क्वायर नहीं डबल रोटी बना रही हूँ, या आप लोफ टिन में कर दीजिए। बॉल्स बनाएंगे हम, उनको हम साथ जोड़ के रख देंगे, फिर वो दोबारा राइज होंगे, फिर उसके ऊपर हम मक्खन पिघला हुआ और थोड़ा सा दूध लगाएंगे और हम अवन में रख देंगे, फिर हम बेक करेंगे, ठीक है। 200 डिग्रीज पे, हमेशा खमीर की कोई भी चीज़ हो तो वो 200 डिग्रीज पे बेक होती है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि आज हमारे शो पे है इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडोनेशिया टक्स के टिश्यूज़ और किचन पेपर, और 100% वर्जिन वुड पल्प है, नॉन रिसाइकल्ड है, इसमें कोई ब्लीच का इस्तेमाल नहीं किया गया है, फूड सेफ भी है, स्किन सेफ भी है, स्ट्रॉन्ग है, और टेक्स्चर जो है इसका बहुत अच्छा है, मैं भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, आपको भी मैंने बताया हुआ है। अच्छा जी, अब हम आते हैं सूप्स पे, स्टॉक्स पे। मेन जो स्टॉक हमारा है ये देखें, ये मैंने
बीफ की हड्डियाँ ली थी, हड्डियों से बहुत बेहतरीन स्टॉक बनता है, और उसके अंदर मैंने बीफ के बीफ भी डाला हुआ है, देखें ठीक है, और पानी के बीफ के छोटे क्यूब्स कर दिए थे, और पानी के साथ आपने इसको अच्छी तरह, मैंने इसको प्रेशर कुक कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज लेस टाइम ऑन आवर शो. एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप बीफ के टुकड़े और बोन्स थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के अवन में रख सकते हैं, उससे वो बहुत अच्छे रोस्ट हो जाएंगे, फिर उससे आप सूप बना सकते हैं. सो दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं. अब इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, गाजर है, सब्ज़ियाँ पूरी साबुत साबुत मैं इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज इसको हम छान लेंगे. ये है सेलरी, ठीक है, ये सेलरी है इस तरह की, वैसे हम ये जो लीव्स होते हैं इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मैं लीव्स हमेशा सूप के स्टॉक में डालती हूँ. फिर ये है पार्सली, सारी सब्जियाँ बड़ी बड़ी रखिएगा, पार्सली नहीं हो धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन पार्सली हो बहुत अच्छा टेस्ट आता है. और फिर ये है प्याज, साबुत डाल दीजिए, आप छान लीजिए सारी चीज़ें. फिर ये है तेज़पत्ता यानी बे लीव्स, बे लीव्स चले गए. उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें साबुत, और आप थोड़े से हरे प्याज डाल दीजिए. ठीक है जी, ये सब कुछ हो गया. ओके, सो हड्डियां हैं इसमें बीफ की, बीफ के चंक्स हैं, ठीक है, इसमें मैंने गाजर डाला है, सेलरी डाली है, पार्सली डाली है, प्याज है, लहसुन जाएगा इसमें, तेज़पत्ता है, और काली मिर्चें हैं. अब मैं जब भी स्टॉक बनाती हूँ, बेस जो बनाती हूँ, उसमें मैं कभी भी नमक नहीं डालती हूँ, इसलिए कि हमें जब ये बेस ऑफ आर सूप मिल जाएगा, ये स्टॉक रेडी हो जाएगा, तो उसमें जब उबाल आ जाएगा अच्छी तरह, मैंने बीफ का तो इसलिए कर दिया था बिकॉज टाइम, वी नीड सम टाइम ना बीफ को उबालने में, उसकी हड्डियों में से उसका सूप निकालने में, तो इसीलिए मैंने बीफ का करके मैं घर से लेके आई थी कुकर में. और फिर आपने इसको पकाना है, अच्छा सा इसको पकने दीजिएगा, उबाल आने दीजिएगा, और फिर आप उसको छान लीजिएगा. हड्डियाँ आप निकाल दीजिए, बीफ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये सारी सब्जियाँ हैं उसको भी आप खा सकते हैं, लेकिन मैं अभी डिस्कार्ड कर दूँगी. ठीक है, समझ आ गया, बहुत आसान है रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा. अब जो स्टॉक बनता है ना, इसका जो सूप का बेस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब इसके ऊपर वो स्कम आता है, यानी कि हड्डियों को बॉईल करते वक्त जो ऊपर फीन सा झाग सा आ जाता है, उसको अंदर मिक्स नहीं करिएगा, आपका जो स्टॉक होगा वो क्लाउडी हो जाएगा. तो ये ऐसे गोल चम्मच होते हैं जिसमें ऐसे होल्स होते हैं, कोई भी स्लॉटेड चमचा ले लीजिएगा, इससे आप पूरा ऐसे करके ना इसके ऊपर से झाग उतार के फेंक दीजिएगा, मिक्स नहीं करिएगा. मिक्स होने से आपका जो स्टॉक होगा वो क्लाउडी हो जाएगा, क्लियर नहीं रहेगा. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको शायद लगेंगी, लेकिन ये छोटी बातें ही आपको काम आएंगी, बिकॉज़ ये वैसे तो कोई भी रेसिपी फॉलो कर सकता है कोई भी शो देख के या किताब में से पढ़ के, लेकिन ये जो टिप्स हैं जो हमने सीखी हैं किसी से, या हमने अपने आप ट्रायल एंड एरर से सीखी हैं, या हमने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, तो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं. सो हमेशा याद रखिएगा, सूप का जब स्टॉक बनाएं हड्डियों से, तो ऐसे करके पूरा का पूरा ऊपर से आपने निकाल देना है. ठीक है, समझ आ गया. बीफ का स्टॉक एक बार फिर रिपीट करती हूँ, बीफ के टुकड़े थे बोनलेस, उसके अलावा बोन्स थे, बीफ के बड़े बड़े बोन्स थे, और आप इसमें प्याज डालेंगे, गाजर डालेंगे, लहसुन डालेंगे साबुत, काली मिर्चें मैंने डाली थी साबुत ऑफकोर्स, और पार्सली था, सेलरी था, जो भी सब्ज़ी आपके मिले, पार्सली नहीं मिले नहीं डालिएगा, धनिया डाल दीजिएगा, मैंने हरा प्याज भी डाला है. सब्जियां बड़ी साबुत साबुत मैंने रखी हैं, अब प्रेशर कुकर को बंद नहीं करना है, बस इसमें उबाल आ जाएगा. मीनवाइल आप सोचेंगे मैंने यहाँ क्या किया है, तो मैंने यहाँ पानी गर्म करने रख दिया है, बिकॉज नेक्स्ट रेसिपी हमारी होगी चिकन के हड्डियों के साथ स्टॉक बनाना. ठीक है, आज का सवाल हम रखेंगे स्मार्ट ड्राई आयरन एनेक्स की तरफ से जो है, आपने हमें बताना है सूप्स के नाम. ठीक है, पहला दिन है, सोचिए, बहुत दफ़ा सूप्स करा चुकी हूँ, जो भी आपका फेवरेट सूप हो, दो तीन नाम लिख के 8881 पे SMS कर दीजिएगा. मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. ऐसे करते हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से आएंगे तो फिर हम इस बीफ के स्टॉक को छानेंगे, आपको दिखाएंगे, और चिकन का स्टॉक शुरू करेंगे, उसके बाद हम सब्जियों का स्टॉक बनाना आपको सिखाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसी चिकन की सूप में से आपको बनाना सिखाएंगे चिकन कॉर्न सूप, जो सबका फेवरेट होता है. सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग Food Diaries. वेलकम बैक. देखें, आप अगर टॉप कैमरा से दिखाएंगे तो ये इस बीफ के स्टॉक में, देखें बीफ के बोन्स है ना,
बड़े बड़े बोन्स लीजिएगा, बीफ के पीसेस भी इसमें हैं और ये सारी सब्जियां हैं और ये पक रहा है, ये बिल्कुल अच्छी तरह इसमें से इसका पूरा जूस निकल रहा है। आप इसको प्रेशर कुक कर दीजिएगा सब कुछ साथ डाल के। अच्छा, अब चिकन की तरफ आ जाते हैं। उसी तरह चिकन का आप करिएगा, पानी हमने लिया था, उसमें हमने बोन्स डाल दिए थे, चिकन के ये बोन्स हैं। बोनलेस चिकन तो आजकल बहुत ही इन है, सबको बोनलेस चिकन चाहिए, तो जो बोन्स बच जाते हैं तो मुर्गी वाले से वो बोन्स मैं ले लेती हूँ, या फिर आप गर्दन का सूप बना लें या आप इस तरह बोन्स का बना लें, सेम चीज़ें ऑलमोस्ट उसमें जाएंगी। जैसे कि ये पार्सली है, ठीक है, फिर प्याज है, गाजर है, सैलरी है। सैलरी डालने से सूप के स्टॉक में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, प्लीज़ डाल के देखिएगा। फिर ये जो प्याज है ये भी बहुत अच्छा है, हरा प्याज, ये आप डाल दीजिए। फिर आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें डालिए और बहुत थोड़ा सा हम इसमें चुटकी भर समझ लीजिए नमक डाल रहे हैं। और टक से ज़रा मैं हाथ पोंछ लूँ अपने, बेहतरीन टिश्यूज एंड किचन पेपर आई मस्ट से। इतनी डिफरेंट आपको यहाँ वैरायटी नज़र आ रही है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास यहाँ। ओके, चले तो ये चिकन का स्टॉक हो गया। अब देखें स्टॉक बनाने में आप सोचेंगे मैं ये क्यों सिखा रही हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को क्यूब्स इस्तेमाल नहीं करने, MSG होता है, फलां है, ये है, किस तरह बनाया है, क्यूब्स में क्या है आपको पता नहीं है। तो आप ऐसे करिए कि आप हड्डियों से शुरू करिए, आपको पता है आपने खुद ही बनाया है। सैलरी ले लीजिए, हरा प्याज ले लीजिए, प्याज ले लीजिए रेगुलर, गाजर डाल दीजिए, पार्सली है, नमक और काली मिर्चें हैं और हड्डियाँ हैं, बस दैट्स इट। या आप वो ले लीजिए, विंग्स ले लीजिए, उससे कर लीजिए, उसका गोश्त भी आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट चीजों के साथ स्टॉक बनाते हैं, लेकिन स्कम का जो मैंने कहा था ना कि ये फीन जो झाग जो साइड में आ जाए उसको ऐसे चम्मच से निकाल के फेंक दीजिएगा, सूप में अंदर ऐसे गोल गोल चमचा नहीं चलाइएगा, तो फिर आपका सूप क्लियर रहेगा। अब इतना सारा स्टॉक होगा पूरा हफ्ता मुझे काम आएगा, आप लोगों को भी अगर करना है तो अभी बना लीजिए मेरे साथ, ताकि सर्दियों में आप जब सूप बनाएं तो घर का ही ये स्टॉक हो जिससे आप बना सकें, ठीक है। और एक दूसरी बात याद रखिएगा, एक आइस क्यूब ट्रे लीजिएगा, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, नीम गर्म भी ना हो, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए छान लीजिएगा, सब्जियों को हटा दीजिएगा या खा लीजिए या फेंक दीजिए, जो भी आपको करना है। जो सूप का स्टॉक जो बनेगा ना उसको आइस क्यूब की ट्रे में जमा लीजिए, फिर आप जब जम जाए ना फिर एक बैग लीजिए, उसमें पूरे खोल दीजिए, अलग अलग आपके सूप के स्टॉक क्यूब्स होंगे। बीफ लिखिए, चिकन लिखिए, वेजिटेबल लिखिए, मछली का भी एक दफ़ा मैंने बनाना सिखाया था, मछली के बोन्स से और जो झींगे के शेल्स वगैरह होते हैं उससे भी सी फूड का भी स्टॉक बनता है, ठीक है। कल मैं सी फूड सूप बनाना आपको सिखाऊंगी, देखिएगा ज़रूर, मछली झींगों के साथ। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हैं, बना के रख दीजिए, टाइम मैनेज करना सीखिए अपने किचन में। इस तरह आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम बच जाएगा और ये स्टॉक्स पूरा बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आप दोनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में कर सकते हैं। सो इसको हम छान लेंगे, ये बीफ का स्टॉक रेडी है, चिकन का अभी होएगा। अच्छा, अब जो हमने डबल रोटी रखी है गूंद के, ये देखें अभी ऐसे क्लिंग लगा के हमने एक बोल में रख दिया है, अभी अभी इसको राइज होना है, अभी टाइम लगेगा इसको, ठीक है। सो आई लेट इट बी इन माई माइक्रोवेव ओवन के ऊपर रख दिया है, इसको मैंने 200 डिग्रीज किया है। जब भी मैं बेकिंग करती हूँ हर चीज़ में 180 पे करती हूँ, लेकिन आज जब भी खमीर की कोई चीज़ होती है 200 डिग्रीज पे हमेशा याद रखा करें। अच्छा, जब तक ये दोनों स्टॉक्स हमारे हो रहे हैं, वो राइज हो रहा है, एक और चीज़ कर लेते हैं। हम चिकन कॉर्न सूप बनाने जा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है क्रीम्ड कॉर्न। आपको मार्केट में जो कॉर्न मिलता है मकई पानी के साथ जो होता है, आप क्या करिए, आप उसको ले आइए, दूसरा मकई भी है मेरे पास, ये देखें ये है, इसमें इसका जो पानी है उसके साथ एक दूसरा टिन भी आता है जिसमें लिखा होता है क्रीम्ड कॉर्न। नहीं मिले आपके शहर में, बिकॉज मुझे पता है मुझे भी आजकल नहीं मिल रहा है, तो आप उसको उसी के पानी के साथ डालें और ब्लेंड कर दीजिए। रेडी, मिसेस नवाज हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो जी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, भी आपके सवाल का जवाब दे लूं? जी जरूर। अभी आलू गोभी और वेजिटेबल मिक्स का जो है सूप है, चिकन इंडियन का सूप है, ठीक है, सभी सूप है और
सूप है, सब्जियों का सूप है, बीफ का सूप है, ठीक है ठीक है, सूप है, ओके ठीक है, बीफ स्पेशल सूप है, ठीक है, थैंक यू, बस बस काफी हो गए। अच्छा मेरी बात सुने मिसेज नवाज, आप हमें मिलने आ रही हैं कि फैसलाबाद हम लोग आ रहे हैं 15 दिसंबर को? अभी मैंने आपको बताया था मेरे मामू की इस दिन शादी है। अरे हाँ, ओहो चले ट्राई करिएगा, अगर आके हमें मिल सके, हम सैटरडे संडे 2 दिन वहां होंगे, ठीक है, ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। तो मैंने चिकन कॉर्न सूप आप लोगों की फरमाइश पे बहुत दफ़ा कराया है, लेकिन फिर भी आज मैंने कहा पहले दिन करा लेते हैं स्टॉक्स के साथ चिकन कॉर्न सूप, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ ये क्रीम कॉर्न कैसे बनाते हैं, नहीं हो परेशान नहीं होइएगा, उसी के पानी के साथ मकई को ब्लेंड कर दीजिएगा और इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। सो चिकन कॉर्न स्टॉक से चिकन कॉर्न सूप भी हम साथ साथ यहाँ मेरा ख्याल है शुरू कर देते हैं। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मैंने थोड़ा सा सूप यहाँ निकाल के रख दिया था, मुझे इसमें ऑब्वियसली चिकन भी डालनी है, तो मैं इसी स्टॉक में चिकन को शामिल कर देती हूँ। एक चिकन ब्रेस्ट ले लीजिएगा, इसको इस तरह लंबाई में काट दीजिएगा, जल्दी से ये पक जाएगा, ये पक जाए तो इसमें फिर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे, एंड में अंडा जाएगा इसमें, ठीक है, मकई साबुत भी जाएगा और मकई इस तरह जो मैंने पीस लिया है वो भी जाएगा। आप सोचेंगे कि मैंने ये डब्बे के साथ आज एक कपड़ा क्यों रखा हुआ है, साफ़ एक कपड़ा रखिएगा, जब ये ओवन में से निकल के आएगा ना डबल रोटी, ये जो सूजी लाडी पाँव में बना रही हूँ, इसके ऊपर हमें इसको ओवन में से निकाल के ये ढाँक देंगे, ढाँक के 15 मिनट छोड़ दीजिएगा, ठीक है, फिर देखिएगा कितना मज़े का डबल रोटी बनती है, ट्राई करिएगा। अच्छा अब मैं जैसे पहले भी आपको कह रही थी स्टॉक का जो स्कम होता है, ये देखें मैं इसमें गोल गोल चमचा नहीं चला रही हूँ, इसलिए कि आई डोंट वांट कि ये देख रही है कचरा जो होता है ना, इसको निकाल के एक तरफ ऐसे कर लिया करें, ये हड्डियों, जब भी हड्डियों को हम बॉईल करते हैं उसका अपना एक कचरा निकलता है, इस कचरे को आप अगर अंदर मिक्स करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो क्या होगा कि वो सूप का जो आपका स्टॉक है ना वो पूरा एकदम क्लियर नहीं रहेगा। इस वाले को मैं इसलिए हिला रही हूँ बिकॉज इसको मैं बॉईल करके आई हूँ और जो स्टॉक के ऊपर वो जो निकला था ना स्कम झाग सा, वो मैं फेंक चुकी थी घर में, ठीक है। ये देखें कितना क्लियर ये सूप है, ये देखें कितना क्लियर सूप है ना ये, अब बस इसको हमें छान लेना है। तो ये बीफ वाला जो है ये हो गया, इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं, चिकन वाला अभी हो रहा है, इसमें से इसका जो हड्डियों का जो अपना एक ऑफकोर्स हड्डियों में से जो अपना एक जूस या वॉट एवर निकलेगा, अपना इसका क्या नाम, वर्ड ही नहीं याद आ रहा, अपना क्या, हड्डियों का अपना कुछ निकलेगा ना वो, टीम भी सो रही है, हड्डियों का क्या निकलता है इसका अपना, उर्दू में क्या कहते हैं उसको, एनीवेज व्हाटएवर, भूल गई क्या बोलना था। चले चिकन कॉर्न सूप जो हम बना रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ अर्क नहीं इतनी देर बाद सबकी ट्यूबलाइट जगी है, नहीं अर्क नहीं कहते हैं, कुछ और वर्ड था जो खुद मुझे भी याद नहीं आ रहा। अच्छा जी चिकन का सूप है यहाँ, उसके अंदर हमने चिकन के वो क्या कहते हैं, वो आज बंडे है ना, सारे लव्ज नहीं आ रहे हैं मुंह में, सूप के जो स्टॉक्स होते हैं हड्डियों वाले उनको तो सिमर करना चाहिए, हल्की आंच पे छोड़ दें होता रहेगा, या फिर टाइम नहीं हो तो मेरी तरह प्रेशर कुक कर दीजिए। अच्छा ये चिकन जब इसमें हो जाएगा तो मुझे क्या डालनी है चीज़ें, मैं आपको बताऊं, यहाँ साबुत मकई है मेरे पास, साबुत मकई जाएगा इसमें, ठीक है थोड़ा सा, और ये ज्यादा तो मजेदार सा ये क्रीम्ड कॉर्न है, ठीक है, चिकन भी बॉईल हो जाएगी इसके अंदर और ये क्रीम कॉर्न भी साथ साथ इसमें मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसमें सोया सॉस डालेंगे डिपिट का, और डिपिट के सॉसेस के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान्स ओनली कंपनी टू लॉन्च 15 डिफरेंट फ्लेवर्स फ्रॉम इंस्पायर्ड फ्रॉम डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड डिफरेंट क्विजींस, और मेरा जो फेवरेट है वो तो थाई स्वीट चिली सॉस है और स्मोकी बारबेक्यू सॉस है, और नो MSG, नो कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, नो स्टार्च, आप ज़रूर घर लाइएगा, ऑथेंटिक इन्ग्रीडियंट्स उसमें इस्तेमाल की गई हैं, आप भी ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा, और विंटर्स के लिए इन्होंने ओरिएंटल रेंज इंट्रोड्यूस की है जिसमें है सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस और स्वीट थाई चिली सॉस, और 1200 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, तो घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा और मज़ेदार से सॉसेस का फ़ायदा उठाइएगा, बहुत सारी चीज़ों में मैं आगे भी आपको सिखाऊंगी।
ब्रेक की तरफ चलते हैं जब तक इस सूप में उबाल आता है और चिकन साथ साथ पक जाएगा। और यहाँ हम स्टॉक जो है बीफ का उसको छान के रखेंगे। चिकन का स्टॉक अभी हो रहा है और उसके बाद हम देखेंगे अगर डबल रोटी का डो जो है वो हो गया हो थोड़ा सा राइस, तो उसको हम शेप करके रखेंगे आपके लिए। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से स्मार्ट ड्राई आयन हमारे शो के थ्रू आज, तो जल्दी से बताइए 3-4 सूप के रेसिपीज के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें ब्रेक में हमने इस तरह चार बॉल्स बना के रख दिए थे। प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इसको आपने एक घंटा राइज होने के लिए छोड़ना है, फिर आप इसके शेप्स बना के दोबारा एक घंटा छोड़ेंगे इसको ढांक के। अब हमारे पास टाइम नहीं है ना, ऐसे एक एक घंटा रखेंगे तो फिर शो का टाइम तो कब का ख़त्म हो जाएगा। तो आप ऐसे, आप तो ऑब्वियसली एक चीज़ एट अ टाइम बनाएंगे ना, तो बस आपने क्या करना है इसको राइज होने के लिए रख देना है। अब आपने इसको बेक करने के लिए रखना है, लेकिन बेक होने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा बस दूध लगा देना चाह रही हूँ, सो दैट नाइस एंड मॉइस्ट। और मैं इसको 200 डिग्रीज पे बेक करने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, जब ये बेक होके बाहर निकलेगा तब इस पर हम मक्खन पिघला हुआ और मज़ीद दूध लगाएंगे और कपड़े से ढांक देंगे 15 मिनट, फिर निकालेंगे, फिर आप उसको खाइए। सो दिस विल गो इन द ओवन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपके पास टाइम हो तो आप लोग उसको राइज होने के लिए रखिएगा, मुझे जल्दी जल्दी करना था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ डिप इट का सोया सॉस। इसको हम ऐड करेंगे अपने सूप में। ठीक है, चिकन ऑलमोस्ट डन है, इसमें कॉर्न, चिकन, सोया सॉस है और चिकन का स्टॉक था और क्रीम कॉर्न। मैंने कैसे बनाया था, कॉर्न को मैंने बिल्कुल ब्लेंड कर दिया था उसी के पानी के साथ। मीनवाइल साथ साथ यहाँ आप देखेंगे तो इसका जो स्कम निकल रहा है, देखें ये झाग जो है इसको आप उठाते जाएंगे, ये कचरा है। ठीक है, हड्डियों में से जो निकलता है इसको आप साइडों से, इसलिए इस सूप में मैंने अंदर ऊपर नीचे ऐसे बिल्कुल कुछ भी चलाया नहीं है चमचा, ये साथ में आप साइड में से आप उठा लीजिए जो भी झाग हो वो। ठीक है, और इसको हम बॉईल होने देते हैं। अब आप देखेंगे तो सब्जियां भी इसमें हो गई हैं, चिकन का भी जो अपनी इसकी यखनी एक होती है सूप वो भी निकल रहा है पूरा का पूरा। देखें सब्जियां बिल्कुल नरम हो गई हैं। ठीक है, इसको फिर हम छान के रख देंगे। अच्छा, ये देखिए बीफ का जो मैंने किया था, ये देखिए कितना मज़ेदार सी ये बीफ की यखनी बनी है। सब्जियां हैं इसमें, बीफ के टुकड़े हैं, बीफ के बोन्स हैं और इसको मैंने छान के यहाँ इसलिए रख दिया है। अच्छा, एक चीज़, जब आप इस सूप को, इस स्टॉक को ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे और दूसरे दिन इस्तेमाल के लिए निकालेंगे, तो आपको लगेगा कि ऊपर पूरी एक तय जम गई है। आप उसको इस्तेमाल करना चाहें करें, वरना अगर आपको उसको फैट फ्री करना है तो ऊपर से आप उसको चम्मच से निकाल भी सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये चिकन के सूप का भी मैं हल्का सा कर दूं अब। और इसमें हमें क्या और डालना है, अंडे डालने हैं। चिकन को निकाल के आप श्रेड कर दीजिए अगर आपने बड़े बड़े पीसेस डाले हों तो, वरना छोटे ही पहले से काटिएगा। अंडे हैं और कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर को लेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे या इसी के स्टॉक के साथ मिक्स करके फिर उसमें डाल देंगे और हरे प्याज ऊपर से डालेंगे। दैट्स इट, इट्स अ सिंपल चिकन कॉर्न सूप। और मैं आपको रिकैप कर दूं कि मैंने चिकन का स्टॉक लिया था, उसके अंदर चिकन ब्रेस्ट फिले डाल दिए थे चॉप करके, फिर मकई डाला था, फिर एक पूरा टिन मकई का लेके उसको मैंने ब्लेंड करके क्रीम कॉर्न बना दिया वो डाला। अंडे जाएंगे, हरा प्याज जाएगा, सोया सॉस डिपिट का हम डाल चुके हैं, इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के इसको गाढ़ा कर देंगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ये देखें आप जब ऐसे करके उठाएंगे ना तो आपको नज़र आएगा पीसेस तो चिकन के मैंने बड़े डाल दिए, गलती से चॉप नहीं किए, लेकिन ये इस तरह का होगा। ठीक है, और अंडा डालने के बाद आप बहुत ज़्यादा उसको हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं, वरना अंडा पूरा स्प्रेड हो जाता है हर जगह। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अंडे लेती हूँ 2 अदद एटलीस्ट, इतने से सूप के लिए मैं बाद में करूँगी, आई जस्ट वॉन्ट कि पूरी चिकन हो जाए। अब हमें क्या करना है, वो हमने बेक करने रख दिया है, और क्या बाकी रहता है, बाकी क्या है, एक स्टॉक है सब्जियों वाला, वो हम करेंगे। उरूद से बात करते हैं तब से जी, तब तक हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है, इजी होती है। रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। जी मैं ट्राई करती हूँ, इजी होती है और बिजनेस को आसानी से समझ आ जाती है। थैंक यू जी। मुझे आपको सवाल का जवाब देना था। जी जरूर। कॉर्न सूप है, चिकन सूप है, क्रैब सूप है, फिश सूप है, प्रॉन सूप है, वेजिटेबल सूप है। ओके बस ठीक है, ठीक है। स्वीट एंड सॉर सूप है। स्वीट एंड सॉर नहीं, हॉट एंड सॉर। हॉट एंड सॉर सूप है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हॉट एंड सार भी कराएंगे आप लोगों को, मछली और झींगे वाला सूप सिखाएंगे, यानी सी फूड का थाई वाला जो सूप होता है मज़ेदार सा, वो कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा पूरा हफ्ता और देखते रहिएगा। अच्छा एक बात, कैन वी टेक अ क्विकर ब्रेक, हम जल्दी ब्रेक पे जा सकते हैं? हाँ, इसलिए कि आई वॉन्ट कि मैं वेजिटेबल स्टॉक का भी साथ साथ शुरू कर दूँ, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए आप मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से ड्राई आयरन, तो जल्दी से आप मुझे 888 पे सूप के नाम लिख के बता दीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल ID पे और फूड डायरीज रेसिपीज़ का जो हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है ना, उस पर इनबॉक्स कर रहे हैं। जवाब वहाँ नहीं दीजिएगा जनाब, SMS करिएगा 888 पे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। आएंगे तो हम वेजिटेबल का कैसे स्टॉक बनाते हैं वो आपको सिखाएंगे, फिर ये तीनों स्टॉक्स अलग अलग यहाँ छोड़ के जाऊंगी, फ्रीज करेंगे या फ्रिज में रखेंगे, फिर उसको निकालेंगे, उससे फिर हम सूप्स बनाएंगे पूरा हफ्ता। तो आप भी मेरे साथ आज बना लीजिए, हड्डियाँ मंगा लीजिए, कर लीजिए, ताकि आप भी मज़ेदार से सूप्स ठंडी के सीजन जब सर्दी होगी तब आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, आई वॉज जस्ट चेकिंग माई मैसेजेस। अच्छा वेजिटेबल स्टॉक की तरफ आ जाते हैं, वॉट डू वी डू, वी एड ऑल द सब्जी जो भी आपके पास है। मैं इसमें लहसुन डालूंगी, सिर्फ पानी है, ठीक है, प्याज है पूरी साबुत और गाजर है, मैं साबुत ही रखती हूँ सारी सब्जियों का, बीच में से आधा आधा भी कर सकते हैं। पार्सली और सेलरी मैं हमेशा डालती हूँ सूप के स्टॉक्स में। फिर आप इसमें तेज़पत्ता शामिल करिए, हम वेजिटेबल का बना रहे हैं। ठीक है जनाब, फिर आप उसमें पार्सली डालिए, उसके अलावा आप सेलरी डालिए। सेलरी के जो पत्ते हैं वैसे हम खाने में नहीं डालते हैं, सूप्स में हमेशा, ओके। अच्छा अब ये क्या है, ये है थाइम, ये प्लीज़ दिखाइएगा क्लोज़अप। थाइम आपको मिल जाता है ड्राई फॉर्म में इस तरह, ठीक है, ये भी मैं डालूंगी वेजिटेबल के सूप में, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके अलावा मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें हमने कोई स्टॉक क्यूब वगैरह कुछ नहीं डाला है। और आप चाहें तो आप हरे प्याज भी शामिल कर दीजिए, दैट्स इट। अच्छा मीनवाइल मैं आपको सूप दिखा दूं, जो चिकन कॉर्न सूप है हमारा वो हो चुका है अच्छी तरह, चिकन भी इसमें अच्छी तरह हो गई है। अब आप में इसमें अंडा डालना है, सो दो अंडे बीट अप, और सूप में जब उबाल आ जाए ना तब पता है मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह करके डालती हूँ थोड़ा थोड़ा, एकदम से मैं नहीं डालती हूँ, वरना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पीसेस अंदर बिखर जाते हैं। इसको बिल्कुल चमचा नहीं चलाइएगा, इसको अंदर ऐसे ही उबलने दीजिएगा, सेट होने दीजिएगा, फिर इसमें आप और टेस्ट करिए, सोया सॉस डालें या अगर आपको चिली सॉस डालना है आप चिली सॉस डालें। मैं सॉसेस नहीं इतने डालती हूँ सूप्स में, मुझे इतना वो कॉन्डिमेंट्स ऑन द साइड नहीं, पहले आप चखा करें फिर डाला करें, बिकॉज इसमें हमने रिपीट का सोया सॉस भी डाला है। और इसके अलावा मैंने इसमें क्या डाला है, स्टॉक क्यूब से हमने शुरू किया था इसको, ठीक है। और टेबल पर देख लीजिएगा, चिकन का और बीफ का स्टॉक हमने रख दिया है। पतली धार में अंडा डालिएगा, जरूर याद रखिएगा, या कांटे से डालिएगा, और इसमें बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाइएगा वरना पूरा सूप मिक्सअप हो जाएगा। बस दैट्स इट, हरा प्याज जाएगा। और अगर आपको इसको थिक करना है तो आप कॉर्नफ्लावर पानी डालिएगा। मैं इसको ज़रा अंडे को सेट होने देती हूँ, फिर मैं देख लेती हूँ, इफ़ आई नीड आई एड, अदरवाइज आई वोंट। वेजिटेबल का, चिकन का, बीफ का स्टॉक बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। उसके अलावा मैंने आज आपको चिकन कॉर्न सूप, सिंपल सा बहुत ही आसान तरीका कैसे बनाते हैं वो सिखाया है। और डबल रोटी जो है वो हमारी अभी बेक हो रही है, अभी पुट इट इन द ओवन। इसको राइज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सूजी है इसमें, मैदा बहुत कम है। जब ये राइज़ हो जाएगा, ये बन जाएगी तो निकालेंगे, इसमें मक्खन पिघला हुआ और दूध लगाएंगे, उसके बाद फिर इसको ढाँक के रख देंगे। नाउ लेट मी शो यू द सूप।
ये देखें, ये देखा आपने, इसमें अंडा भी है, इसमें चिकन भी है, इसमें मकई भी है, बहुत ही मज़ेदार सा सूप बना है। अब अगर आपको इसको थिकन करना है करिए, बिकॉज आई फील दैट कॉर्नफ्लावर स्पॉइल्स द सूप। कॉर्नफ्लावर डालने से बहुत गाढ़ा हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत ही कॉर्नफ्लावर वाला सूप अच्छा लगता है, समहाउ आई लाइक इट लाइक दिस। लेकिन आप लोगों को अगर चाहिए, अगर आप चाहते हैं, थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लावर और पानी, इसमें ले लेते हैं। बिल्कुल एंड में डालिएगा, ठीक है। बस दैट्स इट। मोर ऑफ अ कॉर्न सूप देन अ चिकन सूप। इसको मैं अभी बोल्स में निकालती हूँ, बहुत गर्म है। यहाँ हमारी सब्जियों वाली यखनी भी बन रही है, ठीक है। बनाइएगा रेसिपी सारी, ट्राई करिएगा, कल मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। तीन मज़ेदार सूप्स बनाना सिखाऊंगी, नाम भूल गई कौन से थे लेकिन मैं सी फूड का सूप तो है, बिकॉज मैंने झींगा मच्छी आज लिया है इसलिए मुझे याद है। बस इसमें थाइम का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सब्जियाँ जो भी आपको अंदर डालनी हो ज़रूर डालिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। वीक्स हो कि ना हो, हमारा शो देखिएगा। फिर से जुमा मंडे टू फ्राइडे दोपहर में 1 से 2 हम लाइव हैं, रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। 15 दिसंबर को हम आ रहे हैं फैसलाबाद अवारी एक्सप्रेस, उनके भी 3 शेफ्स होंगे, हमारे भी 3 शेफ्स हैं। ज़रूर आइएगा, मिलिएगा, देखिएगा रेसिपीज़, ज़रूर हमारे साथ रहिएगा पूरा दिन। वहाँ टी भी होगी, लंच भी होगा, बहुत मज़ा आएगा। सो ज़रूर अपने आप को रजिस्टर कराइएगा अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो, ठीक है। रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। हमने आज बनाया था चिकन, बीफ और वेजिटेबल का स्टॉक, और हमने सूजी लाडी पाव बनाना आपको सिखाया था। उसके अलावा आज हमने चिकन कॉर्न सूप बनाया था, जो अभी मैं निकाल के रख दूंगी हमारे बोल्स में। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। बीफ स्टॉक, अज्जा, हड्डी वाला बीफ 4 पाउंड, बीफ के चंक्स 1 पाउंड, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 अदद, गाजर 2 अदद, सैलरी मुट्ठी भर, लहसुन 3 चवे, पार्सले मुट्ठी भर, तेज़पत्ते 1 से 2 अदद, काली मिर्चें 10 अदद। तरकीब, बीफ के चंक्स, गाजर और प्याज पर थोड़ा जैतून का तेल लगाएं, फिर बीफ चंक्स, बीफ की हड्डियाँ, गाजर और प्याज को पैन में रखकर ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 मिनट बेक करें। जब बीफ और हड्डियाँ ब्राउन हो जाएं तो निकाल कर पैन में डाल दें। अब बेकिंग ट्रे में गर्म पानी शामिल करके ब्राउन टुकड़े निकालें और स्टॉक पैन में डाल दें। फिर इसमें सब्जियां और पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। अब सैलरी, लहसुन, पार्सले, तेज़पत्ते और काली मिर्चें शामिल करके ढकें और 3 से 6 घंटे पका लें। इस दौरान चमचा नहीं चलाएं। उसके बाद हड्डियां और सब्जियां निकाल कर यखनी छान लें और फ्रिज में रख दें। यह तमाम चर्बी निकाल कर फ्रीज भी कर सकते हैं। सूजी लाड़ी पाव। अज्जा, सूजी 2 कप, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, खमीर 2.5 चाय के चमचे, नीम गर्म दूध 1/2 कप, नीम गर्म पानी 1/4 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल या पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, मक्खन ब्रश के लिए, दूध ब्रश के लिए। तरकीब, सूजी, खुश्क दूध, नमक, खमीर, चीनी, नीम गर्म दूध और नीम गर्म पानी मिक्स करके गूंदें और ढककर छोड़ दें। फिर तेल या पिघला मक्खन डालकर दोबारा गूंदें। अब इसमें मैदा शामिल करके मज़ीद गूंद लें और ढककर 2 घंटे छोड़ दें। डो फूल कर डबल हो जाए तो डो से रोल बनाकर ग्रीस ट्रे में 1 घंटा छोड़ दें कि मज़ीद फूल जाए। अब इस पर दूध से ब्रश करके 15 से 20 मिनट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। जब बेक हो जाए तो मक्खन से ब्रश करके 10 मिनट ढकें, फिर काट कर सर्व करें। वेजिटेबल स्टॉक। अज्जा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, सैलरी 2 स्टॉक, गाजर 2 अदद, चॉप्ड हरी प्याज 2 से 3 अदद, कुटा लहसुन 8 चवे, पार्सले 8 डंडियाँ, थाइम 1 चाय का चमचा,
तेज पत्ते 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, पानी 2 क्वार्टर। तरकीब, तमाम सब्जियों के 1 इंच के चंक्स काट लें, फिर तेल गर्म करके प्याज, सेलरी, गाजर, हरी प्याज, लहसुन, पार्सले, थाइम और तेज पत्ते शामिल करके तेज़ आंच पर 5 से 10 मिनट पकाएं और चमचा चलाते रहें। अब इसमें नमक और पानी डालकर उबाल लें, फिर आँच धीमी करके 30 मिनट पकाएं। अब इसे छान लें और सब्जियां निकाल दें। चिकन स्टॉक, अज्जा, चिकन 1 किलो, सेलरी टॉप 1 अदद, प्याज 1 अदद, गाजर 1 अदद, पार्सले 1 गट्ठी, नमक हसबे ज़ायका, काली मिर्च हसबे ज़रूरत। तरकीब, चिकन की हड्डियों को पैन में डाल दें, साथ ही सेलरी, प्याज, गाजर और पार्सले भी शामिल कर दें, फिर पानी, नमक और काली मिर्च डालकर उबाल लें और धीमी आंच पर 4 घंटे पकाएं। साथ साथ झाग हटाते जाएं, फिर हड्डियां और सब्जियां निकालकर यखनी छान लें। चिकन कॉर्न सूप, अज्जा, चिकन की यखनी 6 कप, चिकन ब्रेस्ट फिले 1 अदद, कॉर्न 1 कप, क्रीम कॉर्न 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, बारीक कटी हरी प्याज 2 अदद। तरकीब, एक बड़े सॉस पैन में 6 कप चिकन की यखनी डालकर उबालें, फिर 1 अदद चिकन ब्रेस्ट फिले को यखनी में शामिल करके चूल्हे की आंच को बंद करें और ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब चिकन ब्रेस्ट फिले को यखनी से निकाल के ठंडा करें और रेशा कर लें, फिर यखनी में 1 कप कॉर्न और क्रीम कॉर्न शामिल करके दरमियानी आँच पर उबालें, फिर सोया सॉस और कॉर्नफ्लावर को यकजा करके पेस्ट बनाएँ और सूप में शामिल कर दें। अब इसमें रेशा की हुई चिकन शामिल करके मिलाएँ, फिर इसमें 2 अदद फटे हुए अंडे शामिल करके कांटे की मदद से मिलाएं। अब इस पर 2 अदद बारीक कटी हरी प्याज शामिल करके सर्व करें। अब ये दूध मैंने सिर्फ स्प्रिंकल कर दिया था आपके सामने, आई वाज वेटिंग कि आप लोग आएंगे तो आपके सामने ये सूजी लाडी पाव के ऊपर भी हम ये मक्खन पिघला हुआ ज़रूर लगाइएगा, और फिर आप लोग इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा कपड़ा ढाँक के, प्लीज़ like this, but of course there's no time on our show, so I have to do all this quickly. बहुत गर्म है, okay, फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, देखें ये है चिकन कॉर्न सूप, ये है वेजिटेबल का सूप। अब आप देखिएगा कि वेजिटेबल का स्टॉक कितना लाइट है कलर में, ठीक है, फिर ये है चिकन का और वो है बीफ का। तो आज आपने 3 स्टॉक्स बनाना सिखाया मैंने आज आपको, चिकन का, बीफ का और वेजिटेबल का। इसके अलावा ये डबल रोटी थी और चिकन कॉर्न सूप था। चिकन कॉर्न सूप मुझे ज़रा पतला अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर वाला बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैंने इस तरह रखा हुआ है। डिपिट का सोया सॉस, डिपिट का चिली गार्लिक सॉस या चिली सॉस या हॉट सॉस या टबैस्को सॉस, आप छोटे छोटे बोल्स में साथ रख सकते हैं। नॉर्मली सिरके के अंदर मिर्चें जो होती हैं वो भी हम साथ रखते हैं, लेकिन आपको जो रखना है रखें, मैं तो कहती हूँ ये ऐसे ही सही है। सो इट्स रियली नाइस, ऐसे ही ट्राई करिएगा। आज की विनर हैं जवेरिया फ्रॉम मुल्तान, और तड़का में रिदा बना रही हैं शिनवारी कढ़ाई और मिर्च आलू सब्जी। सो आई होप आप लोग हमारे सारे शोज देखेंगे, फॉलो करेंगे, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा और रेसिपीज़ फॉलो करते रहिएगा, बनाइएगा। सूप वीक में ज़रूर 1 से 2 मेरे साथ लाइव रहिएगा। अगर अभी कुछ भी मिस आउट हो जाए तो रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है, तब देख लीजिएगा ज़रूर। और कल सी फूड सूप के अलावा 2 और सूप्स हैं, आई फॉरगेट द नेम्स, बट मज़ेदार सूप्स हैं। पूरा हफ्ता प्लान किया है, इसलिए पहले मैंने आप लोगों को ये बेसिक चीज़ सिखा ली ताकि इसके बाद आप इससे सूप बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू फूड डायरीज, अ बिग थैंक यू टू आवर स्पॉन्सर्स एज वेल। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाजत, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। खुदा हाफिज़।